हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेलाडोना के बारे में। जनरली बेलाडोना के बारे में बहुत सारे आपको वीडियो नेट पे मिलेंगे। क्या इसके वर्क होता है और आप किन परिस्थितियों में बेलाडोना को यूज़ कर सकते हैं, इसके बेस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे, ताकि संक्षिप्त वीडियो में ही, छोटा वीडियो में ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट एक एक मेडिसिन्स की एक एक सिम्टम्स बताऊंगा, जिससे आपको सुविधा होगा। हम बात करेंगे जब होल मेडिसिन्स यानी पूरे बेलाडोना का, तो हम ये भी जानेंगे कि ये हमारे बॉडी के किन किन अंगों पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। बेलाडोना को जनरली नाइट सीड के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राइनिया के जस्ट अपोजिट इसकी क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होती है। अगर हम अंग की बात करें तो ये ब्रेन पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और यही वजह है कि बेलाडोना की जो भी तकलीफें हैं वो तेज़ी से आती हैं और तेज़ी से जाती हैं। आप जितने भी टाइफाइड के कंडीशंस देखेंगे, उसमें बेलाडोना यूज नहीं किया जा सकता है। यानी बेलाडोना की एक खासियत होती है, बेलाडोना की खासियत ये होती है कि ये उत्ताप की अवस्था में यानी बहुत ज़्यादा तीव्रता से आता है, और उतनी ही थोड़ी देर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप अचानक चला जाता है। ब्राइनिया में क्या होता है, ब्राइनिया में सिम्टम्स धीरे धीरे पैदा होते हैं। यानी कि अगर दो व्यक्ति जा रहे हैं और दोनों को अगर ठंडा लगा है या दोनों को धूप लगा है, तो जो बेलाडोना का सर दर्द होगा वो बहुत उत्ताप होगा, बहुत ही एक्साइटमेंट होगा। यानी कि उसको सर दर्द इतना हो सकता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है। कुछ लोगों को सर दर्द इतना होने लगता है कि वो सर को पीटना शुरू करते हैं, यानी सर को हाथ से ठोकना शुरू करते हैं। ये बेलाडोना की सिम्टम्स हैं। और वहीं अगर ब्राइनिया का पेशेंट है, वो धूप में जाता है, उसको भी धूप लगता है, लेकिन वो आएगा, बैठेगा, बुखार जैसा महसूस होगा, सोएगा, फीवर धीरे धीरे चढ़ना शुरू होगा, फिर वो क्रमशः उसको लू की कंडीशंस आने लगेगी। तो यही दो आपके सामने पिक्चर होंगी, दो पिक्चर क्लियर रखें। बेलाडोना के सिम्टम्स अगर आपके पास क्लियर है, आप समझते हैं, तो बेलाडोना से बेस्ट मेडिसिन आपको होम्योपैथ में नहीं मिलेगा। न सिर्फ एक में डिजीज, आप इसको कई बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि इसमें उत्ताप बहुत ज़्यादा होता है, और ये पेशेंट के मानसिक स्थिति पे भी उतना ही उत्ताप होता है। खास करके आपने ऐसे कुछ पागल लोगों को भी देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, फिर आपको लगेगा कि वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, लेकिन फिर अचानक वो किसी भी चीज़ को जो उसके हाथ में, उसको तोड़ देता है, खिड़की तोड़ देता है, तोड़कर भागने की कोशिश करता है, जिसके अंडर में है उसको बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाना, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाना। ये आपके सामने मैं एक बेलाडोना का संक्षिप्त पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। और यही कंडीशंस बेलाडोना के हर ऑर्गन्स पे जिससे वो पीड़ित होता है वो आता है। अगर आप अभी गर्मियों का मौसम है, आपने देखा होगा कि धूप में निकल रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आँख लाल हो जाता है, अचानक धूप में गए और जब घर आते हैं तो उनकी आँख लाल हो जाता है, हल्का हल्का फीवर होने लगता है। ऐसे कंडीशंस के लिए एकमात्र मेडिसिन आपको बेलाडोना होगा। अगर आप बेलाडोना का 30 की पोटेंसी में एक एक घंटे पे सिर्फ 2 खुराक लें, उसके बाद रहने दें, आप देखेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में आप उससे निजात पा जाते हैं। जनरली बेलाडोना को क्रॉनिक केसेस में यूज नहीं किया जाता है, एक्यूट में यूज किया जाता है, यानी जो तुरंत होता है, कुछ दिनों की बीमारी होती है उसमें यूज किया जाता है। आप इसके अलावा आप देखेंगे बर्बरिस का जो सिम्टम्स होता है, शुरुआत अगर हम लोग करें
तो जो बेलाडोना का पेशेंट होते हैं उसमें इमेजिनरी यानी एक अलग तरह के पेशेंट होते हैं, इनका एक अपना ही दुनिया होता है। इनको लगता है कि कोई इनको जहर दे देगा या कोई अपना व्यक्ति ही इनको मार देगा। ऐसा कंडीशन आपको हाई साइमस में भी होता है। हाई साइमस का भी पेशेंट सोचता है कि उसको कोई अपना व्यक्ति जहर दे देगा और वो मर जाएगा। यही वजह है कि जब भी उसको खाना दिया जाता है तो वो उसको बहुत ध्यान से देखता है, बहुत कॉन्फिडेंस में लेता है, तब जाकर वो खाना खाना शुरू करता है। लेकिन हाई साइमस और बेलाडोना दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। परिस्थितियों में अंतर यह है कि बेलाडोना में उत्ताप बहुत ज़्यादा होता है, हाई साइमस में भी उत्ताप ज़्यादा होता है, लेकिन वो बेलाडोना से लोअर ग्रेड की होती है। इसमें वायलेंट डिलीरियम होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, कोई मिल जाए कपड़ा उसको फाड़ देता है, दांत से चीर देता है, बहुत ज़्यादा गाली देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, कोई भी चीज़ खाट पे बैठा है, जिस चारपाई पे बैठा है उसको तोड़ देता है, और फिर जब वो शांत हो जाता है तो उसको ये महसूस होता है कि उसने गलत किया है। अब हम बात करेंगे इसके मानसिक में आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि बेलाडोना ऐसा काम करता है। उसके पीछे की कंडीशन यही होता है, मैंने आपको बताया कि बेलाडोना का पेशेंट एक अपनी अलग ही दुनिया में जीता है, यानी बेलाडोना का पेशेंट को लगता है कि उसके सामने उसके पीछे भूत बहुत ज़्यादा है, कोई उसके कलेजे पर चढ़ के उसका गर्दन दबा रहा है, कभी उसको लगता है कि कोई छुड़ी लेके आ रहा है उसको मारने के लिए, और वो उससे बचने की जो रिएक्शन होती है वही आपको उत्ताप दिखाई देता है। उससे बचने का उसकी एक कंडीशंस आ जाती है, जब आदमी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो ऐसा कंडीशंस आ जाता है। उसको लगता है कि कभी कोई उसको डुबा कर मार देगा, यानी कि अगर वो सोता, पहले तो बेलाडोना का पेशेंट सोता नहीं, लेकिन अगर सोता है इस तरह की उत्ताप मिलती है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को इस सिम्टम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग उद्देश से पीड़ित हैं, जो पागलपन के ऐसे पेशेंट हैं, उनके लिए सिम्टम्स बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने भी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति होंगे, हाई ग्रेड के जितने भी पागलपन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही विध्वंसक कार्य करते हैं, उनके लिए बेलाडोना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि बेलाडोना जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी और रोगों में कब आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे, आप धूप में निकल रहे हैं, उसके बाद धूप लगने के बाद सर दर्द, आपको बेलाडोना से आराम नहीं मिल रहा है, सॉरी, अगर आपको धूप ज़्यादा लग गया है और आपको अंग्रेजी दवा से आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप नेचुरल इस समय की कंडीशंस हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने पे आप एलोपैथिक दवा लेना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आपके साथ ऐसा सिम्टम्स हो, अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, आप जब धूप में जाएं और आपको धूप लग जाए, तो वैसे कंडीशंस में जब प्यास नहीं रहे, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहे, ऐसा लगे कि सर फट जाएगा, तो पहला मेडिसिन आपके लिए होगा बेलाडोना। आप बेलाडोना को एक बार लें और आधे घंटे बाद फिर एक बार बेलाडोना को लें, आपको उस दिन बेलाडोना की महत्व को समझ में आएगा। बेलाडोना जिस तरह से फास्ट आता है उसी तरह से फास्ट और तेज बीमारी को कंट्रोल भी करता है। ऐसा लगता है कि सर में पूरे सर में अजीब तरह का खिंचाव है, बांधने से सर दर्द को राहत मिलता है, यानी जब वो बांधता है तो राहत मिलता है, ऐसे कंडीशंस में आप बेलाडोना को ले सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोसिफेलस के कुछ ऐसे पेशेंट आपको मिलते हैं जिनका सर दर्द किसी भी दवा से राहत नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भी आते हैं। हाइड्रोसिफेलस के केस में सर दर्द अगर राहत नहीं हो रहा है
बच्चा सर दर्द के वजह से तकिया में यानी पीलो में सर को बहुत ज़्यादा रगड़ रहा है तो दो ही मेडिसिन आती हैं, हिलाबोरस और बेलाडोना। वैसे कंडीशन में अगर आप पहले बेलाडोना दें उसके बाद हिलाबोरस दें तो कभी कभी ऐसा सर दर्द हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि सिर्फ सर दर्द ही नहीं होता है, इसमें चक्कर भी आना शुरू होता है। यानी अगर आपको चक्कर ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर लेने के बाद, बहुत ज़्यादा हरासमेंट के बाद, बहुत ज़्यादा चल लेने के बाद लगता है कि बहुत थक गए हैं और चक्कर आना शुरू करता है, तो वैसे चक्कर के लिए आपको बेलाडोना लेना चाहिए। बेलाडोना न सिर्फ आपके पूरे शरीर के थकावट को दूर करेगा बल्कि धीरे धीरे आपके बेलाडोना सर दर्द और चक्कर को भी कंट्रोल कर लेता है। यानी मुश्किल से आधा घंटा से एक घंटा आपको लगता है आप कंप्लीट रूप से क्योर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दर्द की, खास करके राइट इलियो रीजन में पेन होता है, जिसको अगर आप इलियक रीजन नहीं समझें तो अपेंडिक्स कहते हैं। यानी ऐसे अपेंडिक्स का पेन जिसमें दर्द आता है, दर्द होता है फिर चला जाता है, इस तरह के कंडीशंस के लिए आप अपेंडिक्स के पेन के लिए बेलाडोना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और बेलाडोना पहला ऐसा मेडिसिन है जिस तरह से तेज दर्द आता है अपेंडिक्स में कि पेशेंट एकदम बेचैन हो जाता है, वैसे दर्द को आप बहुत प्यार से बेलाडोना से कंट्रोल कर सकते हैं। बेलाडोना लेने के बाद सिम्टम्स चेंज हो जाती हैं, दर्द काफ़ी आराम हो जाता है। इसके बाद धीरे 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 सिम्टम्स चेंज होते हुए आपको मैकफॉस में जाता है पेन और फिर या ब्राइनिया में चला जाता है। तो बेलाडोना लेने के बाद आप थोड़ा सा धैर्य रखें और जो सिम्टम्स मिलता है मैकफॉस या ब्राइनिया का उसमें से एक बार किसी एक मेडिसिन को सिलेक्ट करें, आप कंप्लीट रूप से अपेंडिक्स को ट्रीट कर सकते हैं ये तीन मेडिसिन की सहायता से। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि लैट्रिन करने के समय या लैट्रिन करने के जाते समय अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस तरह के एब्डोमिनल पेन में भी अक्सर लोग मैकफॉस यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर देखें तो पर्टिकुलरली अगर सिम्टम्स को आप मैच करें तो बेलाडोना बहुत ज़्यादा सूट करता है। बेलाडोना न सिर्फ दर्द को आराम देता है बल्कि टेंडेंसी को यानी बार बार दर्द आना और जाने की टेंडेंसी को कम कर देता है। इसके अलावा आपने बेलाडोना में आपको मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को पेट दर्द ऐसी कंडीशंस में होता है कि वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, तो जो जिस पेट के दर्द में व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है सीधा, उसको सिंगल बेलाडोना खड़ा होने के लिए सहायता करता है। इसके अलावा बेलाडोना बहुत फेमस है स्कारलेट फीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए। स्कारलेट फीवर को कंप्लीट रूप से क्योर करने के लिए भी आप बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं, खास करके जब हल्का हल्का चेहरे पूरे शरीर पर दाने रेड टाइप का दाना होने लगे और उसके साथ फीवर बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे स्कारलेट फीवर को आप यूज कर सकते हैं। जनरली सूजन के लिए लोग एपिस मेल यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी आप एपिस मेल से सूजन को ख़त्म करने के लिए शुरुआत नहीं करें, पहले बेलाडोना दें उसके बाद एपिस यूज़ करें, उसके बाद तीसरी मेडिसिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सूजन और दर्द दोनों राहत मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बेलाडोना को कोशिश किया है कि संक्षिप्त रूप में छोटे से फॉर्म में समझाने के लिए, खास करके ये बेलाडोना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं या मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए मैंने मानसिक सिम्टम्स बताना बहुत ज़रूरी समझा। अगर आप इस लाइन को दिमाग में रखते हैं कि बेलाडोना का काम बहुत तेज होता है और बेलाडोना का प्रभाव बहुत तेज होता है, तो चाहे जो भी बीमारी हो, अगर आप तुरंत पीड़ित हैं, दर्द बहुत ज़्यादा है, उस दर्द अचानक आता है और फिर चला जाता है, अचानक आता है फिर चला जाता है, ऐसे दर्द को बेलाडोना कवर कर सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और पूरी गर्मियों भर के समय आप बेलाडोना ज़रूर रखें। आपको बेलाडोना फीवर को न सिर्फ ख़त्म करेगी, आराम देगी, बल्कि बेलाडोना के फीवर में एक और चीज़ ध्यान रखें कि इसमें प्यास नहीं लगता है। तो अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, 103 104 तक भी जा रहा है और प्यास नहीं है, तो और बेलाडोना के जो सिम्टम्स हैं उसको आप थोड़ा सा मैच कर लें, थोड़ा सा ध्यान से देख लें और बेलाडोना दें। निश्चित रूप से आपको इस पूरे सीज़न कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।